हाँ जी, मैं डॉक्टर रणजीत सिंह नायक, अध्यक्ष अखिल भारतीय लबाना समाज, जो अखिल भारतीय लबाना समाज विकास मंडल से रजिस्ट्रेशन को किया गया है। आज जो नए सांसदों का अभिवादन समारोह किया गया, उसमें एसपी सिंह साहब ने जो लबाना समाज, बंजारा समाज, लवणकार समाज, सभी समाज को एक साथ लाने का प्रयास किया है, ये काफी अच्छा एक प्रयास है। आज मैं मक्खन शाह लवाना और लखी शाह बंजारा को अवश्य याद करूंगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ईस्वी सन 1400 से 1800 वो अपना समाज का गोल्डन पीरियड था। वो गोल्डन पीरियड आज न रह के आज अपन वापस पिछड़ गए हैं, तो वही समाज, वही स्टेटस लाना हो तो समाज को फिर से सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली आगे लाना पड़ेगा। सबसे पहले अगर समाज में एजुकेशन आएगा तो सोशली रिवोल्यूशन ऑटोमेटिक आएगा। तो हर समाज को, बंदों को और हर युवा को, युवती को कम से कम ग्रेजुएशन, मिनिमम ग्रेजुएशन कंपलसरी करवाना चाहिए, और सभी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो उसके लिए हर स्टेट के अंदर प्रयास होना चाहिए। हम साथ मिलकर एक नया प्रयास कर रहे हैं कि हर समाज में, हर समाज के बच्चों का प्रोत्साहन किया जाता है, उसी तरह हम हर स्टेट के अंदर जो नायक हमीरसिंह मेमोरियल ट्रॉफी है, जो बच्चे 12th में साइंस में फर्स्ट और सेकंड आते हैं, 10th में जो फर्स्ट आते हैं उसको नायक हमीरसिंह मेमोरियल ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। इस ट्रॉफी को हम ऑल ओवर दी इंडिया के अंदर, हर स्टेट के अंदर लागू करेंगे। साथ में समाज के जो बंदे हैं, जैसे जो अच्छे काम करते हैं, उसको लबाना रत्न अवार्ड से सम्मानित किया भी जाता है। इस साल का नॉमिनेशन फॉर्म अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, और सितंबर अंत में जो भी समाज का बंदा सोशली, इकोनॉमिकली, डिफेंस में या किसी भी तरह से समाज की सेवा करता हो, समाज का नाम रोशन करता हो, उसका हम लबाना रत्न अवार्ड से सम्मानित करेंगे। थैंक यू वंस अगेन, आई थैंक्स टू मिस्टर एसपी सिंह फॉर सच ए ब्रेव थिंग्स, और जो लीडरशिप ली है हमारा लबाना समाज जो ऑल ओवर इंडिया में है, नॉट ओनली इन द इंडिया, एब्रॉड भी है, उनको हम हमेशा सपोर्ट करेंगे। वाहे गुरु जी की, वाहे गुरु जी, राम राम, सभी को मेरा राम राम।